लेकिन मुझे ये आप लोगों को बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि मैं और वाहर सब मज़ीद साथ नहीं है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज हेलो जी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ आपकी प्यारी से मेरी सवारी थी तो सीन्स कुछ ये हैं कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल में मैंने क्या लिखा है तो वीडियो जो है वो स्टोरी टाइम है आज का तो बाबा जी अगर आपको स्टोरी टाइम पूरा करना है तो पॉपकॉर्नस पकड़ लो कोल्ड ड्रिंक पकड़ लो वैसे तो रोज़ा है ओके कोई मसला नहीं यार कोई मसला नहीं मतलब रख लो ना मैंने थोड़ी ना करके खा लो पॉपकॉर्न पकड़ लो कोल्ड ड्रिंक बोल्ड ड्रिंक वाट इज दिस बिहेवियर खैर ये पकड़ के बैठ जाओ और मेरी जो है वो स्टोरी सुनो सबसे पहले ये कि मुझे बहुत से क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं आप और वायरस अब साथ नहीं है वायरस आपके साथ, साथ क्यों नहीं होता वायरस आपके स्ट्रीम पे नहीं होता वायरस कहाँ पे गया है मतलब फजूल किस्म के बहुत से इस तरह के कोश्चन् आते हैं सबसे पहले तो ये कि जिनको अभी तक नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गाइस वायरस गेमिंग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं वायरस की ऑलरेडी इंगेजमेंट हुई हुई है दो साल पहले की ठीक है और अगर कोई लड़का लड़की साथ में खेलते हैं या उनकी अच्छी दोस्ती होती है सो इट डज़ेंट मैटर इट डजेंट मीन कि आपकी उसका साथ कोई गलत सीन हो सकता है या फिर आप दोनों अगर साथ आपको साथ ही खेलना है अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेलोगे तो मर जाओगे या कोई भी सीन तो पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी सेकेंड इज मैं और वायरस आपस में क्यों नहीं खेलते तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था मेरी और वायरस की गेम में कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है जीरो का मतलब आपको पता है हमारी नहीं बनती गेम के अंदर हमने बहुत दफ़ा लाइव स्ट्रीम पे भी खेलने की कोशिश की है देखा है जो भी सीन है मतलब हमारा फड्डा हो जाता है और वो फड्डा सिर्फ गेम की हद तक नहीं रहता है क्योंकि फड्डा करने वाली तो मतलब ये नहीं कि मैं फड्डा करती हूँ यार मतलब ये कि फड्डा होता मेरे साथ है उसका तो वो होता तो गेम के अंदर है लेकिन वो फिर रियल लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करता है पता लगता है एक एक हफ्ता हम एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे क्यों क्योंकि तुमने गेम में मेरे साथ लड़ाई की थी और लाइव स्ट्रीम चल रही थी तो ये दो तो मामलात हर एक की दोस्ती के अंदर आते रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ गेम नहीं खेलते और दूसरी बात ये कि ज़्यादा जो इम्पॉटेंट बात है हम दो साथ ना खेलने का वो ये है कि उसका अपना स्क्वाड है मेरा अपना स्क्वाड है वो कंपैरेटिव लाइक खेलता है जो भी उसका सीन होता है मुझे तो इन चीज़ों में इतना पता नहीं है वो उन्हें अपने स्क्वाड के साथ खेलता है क्लैन मेंबर्स के साथ और मेरा जो है वो स्क्वाड सीओडी वाले थे उनके साथ खेलती थी लेकिन फिर मैंने वो शिफ्ट कर दिया क्योंकि उन लोगों ने बीच में आई थिंक कुछ डेज़ की छुट्टियां ली थी तो फिर मैंने ए, उन दिनों में ही जो है गर्ल्स ऐड करना स्टार्ट कर दी मतलब इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी ना आपको याद होगा कि मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी और मैंने ढेरों लड़कियां ऐड की इस दौरान मेरी लिस्ट फुल हो चुकी थी मैंने फिर से उन पुराने लोगों को अपना आई से निकाल दिया था जिनके साथ मेरी गेम प्ले नहीं होती थी ठीक है तो फिर मैंने फिर से लड़कियाँ ऐड की मतलब तो अन्य वाह लड़कियाँ ऐड की थी कि मेरे साथ खेलें या लाइव स्ट्रीम पे ये वो जो भी सीन था अब जब उसका अपना स्क्वाड है मेरा अपना फिर भी मेन बात वो अपने आईडी में इतना नहीं आता मैं पूरा पूरा दिन अपने आईडी में नहीं आती मैं गेम नहीं खेलती मैं सिर्फ पूरे ग्यारह बजे लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ ठीक है, है? सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसके अलावा मेरी खेलने की कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है सेम एज फॉर वायरस वायरस भी पूरा दिन जो है वो लाइव स्ट्रीम मतलब पूरा दिन वो गेम नहीं खेलता कभी उसके दोस्त के पास आईडी होता है या जो भी सीन है अगर उसको लाइव स्ट्रीम करनी है तभी ही उसने अपने अकाउंट पे लाइव आना है वरना उसने अपने अकाउंट पे मतलब क्या बोल रहे हैं यार वरना उसने अपने अकाउंट पे नहीं आना ये थी सिंपल सी स्टोरी जो आप लोग जानना चाह रहे थे और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बाबा जी सीन्स ऐसे हैं ठीक है कोई इस तरह हैक्टिक मसला नहीं है कोई इतना टेंशन मत हो आप दोनों साथ नहीं है कुछ लोग कहते हैं यार आप दोनों इतने अच्छे लगते हैं साथ में आपकी लड़ाई हो गई है ये हो गया वो हो गया वायरस मेरे पार्टनर में क्यों नहीं है यस दिस इज़ द क्वेश्चन वायरस मेरे पार्टनर में क्यों नहीं है तो ये आप लोगों के सामने ये बात कि मैंने उसको पार्टनर से हटाया था क्योंकि मुझे एक कॉन्टेंट बनाना था ठीक है वो आज तक मैं पोस्ट ही ना कर पाई सही बात है तो कंटेंट के लिए मैंने उसको पार्टनर से हटाया था लेकिन फिर सीन ऐसा हुआ था कि हमारी एक लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई के बाद हमारी सुलह हो गई थी लेकिन उस लड़ाई में हमने एक दूसरे को अनफ्रेंड कर दिया था और उस अनफ्रेंड के बाद हमारी ग्यारह हज़ार की सा जो थी जो हमने खेल खेल के बनाई थी वो सारी हमारी हो गई थी ख़राब ठीक है लेकिन उसके बाद वो वापस आया भी और हो सकता था हम अगले दिन ही पार्टनर में आ जाते उसकी साथ एनर्जी बनाना कौन सा मुश्किल है लेकिन सीन ऐसा हुआ कि अभी इस वक्त वो जिसके साथ पार्टनर में है वो उसका कज़न है एन एस जी नाम करके उस बंदे का नाम है तो एन एस का आई थिंक लीडर है तो वो उसके साथ है पार्टनर में ठीक है तो अब वो अपने कज़न के साथ पार्टनर में है तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना नहीं भाई तुम तो मेरे साथ ही पार्टनर में आ जाओ अपने कज़न को छोड़ दो वो बड़े भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करता है उसकी अच्छा ये सीन है तो यार हेटर्स बोल रहे हैं हाँ ओके हेटर्स बोल रहे हैं बोलने दो नहीं पहले इनकी सुन लेते हैं ठीक है यार अच्छा जी तो सीन ये है कि अभी वो अपने कज़न के साथ और मैं अपने पार्टनर में अकेली हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेली रहूँगी और ऐसा भी नहीं कह सकती कि मैं वायरस के साथ पार्टनर में नहीं आऊँगी ऐसा भी हो सकता है मैं उसके साथ पार्टनर में आऊँ ऐसा भी हो सकता है मैं किसी और के साथ पार्टनर में आ जाऊँ और ये वाली चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं तो चल सीन है अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है ठीक है तो बस ये सीन है बाकी ये इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है कि वायरस जो है वो हमारे हम एक दूसरे के पार्टनर में नहीं है इट मैटर इट रियली डज़ेंट मैटर बिकॉज़ वो अपने कज़न के साथ है और वो बड़े भाइयों की तरह मतलब वो रिस्पेक्ट लेवल है तो वो वह वहाँ पे रहे मैंने उसको फोर्स नहीं किया उसके बाद कि आओ मेरे साथ पार्टनर में क्योंकि मैं अकेली भी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ लेकिन अभी मेरा कुछ कन्फर्म नहीं कि मैं ऐसे ही अकेली रहूँगी मुझे इस दौरान बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे साथ पार्टनर में आ जाएँ लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा तो मैं किसी के साथ अभी तक पार्टनर में नहीं आई अभी तक मुझे ये नहीं पता मैंने फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया कि मैं पार्टनर में आऊँगी नहीं आऊँगी वायरस के साथ आऊँगी या किसी और के साथ आऊँगी तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और इन चीज़ों को आप भी अंडरस्टैंड करें कि अगर गेम में हम किसी को अपने बी में ऐड कर लें लवर में तो नहीं ना किसी को ऐड करें बी में ऐड कर लें या बडी में ऐड कर लें सो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका उसके साथ रिलेशन हो गया और मैं मिलीशा वाइटी आप सबके सामने कह रही हूँ पबजी में जितने भी लोग हैं यूट्यूबर्स जितने भी लोग हैं मेरे आसपास के पड़ोस में जितने भी लोग हैं मेरे खानदान में जितने लोग हैं सब जितने लोगों से आज तक मैं मिली हूँ जितने लोगों के साथ कहीं मेरी इंट्रेक्शन रही होगी स्कूल लाइफ में कॉलेज में सब मेरे भाई हैं यार तो मेरी तरफ से आप टेंशन लेना छोड़ दें कि अगर मिली इसके साथ वैसे तो मैंने आप लोगों को इस तरह की कोई टेंशन दी नहीं हो कि मैं रोज़ किसी ना किसी नए नए बंदे के साथ खेलूं कि आप टेंशन मेरे यार मिली क्या किसके साथ सीन हो सकता है तो मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहें क्योंकि मैं इस तरह की बंदी नहीं और किसी के साथ सीन रखें ठीक है खूबसूरत हैं बगैरत नहीं लिख लो यार डायलॉग अच्छा एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि रही बात आ, आ, फेस कैम से रिलेटेड तो फेस कैम से रिलेटेड मैंने आप लोगों से कहा था कि जो उसकी अनाउंसमेंट है वो फेस कैम से रिलेटेड अनाउंसमेंट यही है कि बस मेरा जो सेटअप है वो अपनी फाइनल पोजीशन में जो है वो पहुंचने वाला है ठीक है मेरा सारा जो इशू आ रहा था वो सेटअप की वजह से आ रहा था और सेटअप जो है इन सून इसी महीने के अंदर कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ बाउटमा फेस कैम इनशाला सून और फेस कैम के बाद आ रहा है ढेर सारा कॉन्टेंट ढेर सारी वीडियोज़ और ढेर सारी लंबी लंबी वाली लाइव स्ट्रीम्स तो बेफिक्र हो जाएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा